नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर 0.01 मोलर CaCl2, 0.01 मोलर NaCl, 0.05 मोलर AgNO3, तो S1, S2, S3, S4 बताना। देखो तो एक तरीका तो कॉमन सेंस हमसे बोलता है कि AgCl वाटर में होगा चलो तो कुछ आएगी सॉल्युबिलिटी, लेकिन जैसे कैल्शियम क्लोराइड में आप ऐड करोगे तो उसका मतलब है वहां पे हमें क्या मिलने वाला है, कॉमन आयन मिलने वाला है। कॉमन आयन भी कौन सा, क्लोराइड है, और कॉमन आयन इफेक्ट लगने की वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो एक चीज तो क्लियर है, इन सब में आपका AgCl इन वाटर जो होगा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा आनी है, ठीक है। अब जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन क्लोराइड आयन की कॉमन आयन इफेक्ट लगने से बढ़ेगी, आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो आप एक तो कॉमन सेंस वाला तरीका यूज कर सकते हैं, आप नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल चलिए कैसे चल सकते हैं कि यदि हम बात करते हैं सबसे पहले AgCl इन वाटर, AgCl इन वाटर, तो यहां पर जब हम देखते हैं तो भाई यहां पर आपका KSP मतलब जैसे AgCl जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है आपका Ag+ आयन और Cl- आयन में, ठीक है। यहां पर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी आपका स्मॉल s मान लिया मैंने, इसकी भी स्मॉल s मान ली, तो KSP इक्वल टू कितना आ गया S2, यानी S इक्वल टू कितना आ रहा है √KSP, ठीक। अब यही मैं बात करता हूं कि जब आपने ले लिया इसको AgCl, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.01 मोलर कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, 0.01 मोलर कैल्शियम क्लोराइड की बात करेंगे। अब बताइए कि अब यहां पर AgCl जो होगा, जो आपका डिसोसिएट हो रहा है Ag+ और Cl- में, मैंने मान ली भाई इसकी सॉल्यू, ये S1 था, ये S1 था, ठीक। अब मैंने मान ली इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, S2 है, क्लोराइड आयन कितना होगा S2+, कितना, क्योंकि CaCl2 से भी तो क्लोराइड आयन मिलेगा, यदि इसके 0.01 मोलरिटी है तो क्लोराइड आयन कितना मिलेगा, 2 times, यानी कितना 0.02। तो KSP ऑफ AgCl इक्वल टू कितना आएगा, Ag+ आयन कंसंट्रेशन इंटू Cl-, है ना, यानी S2 इंटू S2+ 0.02, तो आपका ये कितना हो जाएगा, KSP इक्वल टू S2² लिख देता हूं मैं, KSP इक्वल टू S2² प्लस 0.02 S2। अब सॉलिबिलिटी तो अपने आप में वैसे ही क्या होती है, बहुत कम होती है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या कर सकते हैं, उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर दीजिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपका S2 कितना आ रहा है, KSP अपॉन 0.02, ठीक है, ये S2 आया। सिमिलर अपन क्या कर सकते हैं, NaCl में देख सकते हैं, तो नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं थर्ड पार्ट, AgCl इन 0.01 ही है, ठीक है, 0.01 मोलर NaCl में देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई आपका AgCl डिसोसिएट हुआ किसमें, Ag+ और Cl- में, यदि हम इसकी सॉल्युबिलिटी बोल रहे हैं कि S3 है, यहाँ क्या मिलेगा, S3+ 0.01 मिलेगा, तो KSP इक्वल टू क्या जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ या सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag+ इंटू Cl-, तो यहाँ पे अगेन अपन क्या कर सकते हैं, ये S3 का क्या होगा, होल स्क्वायर प्लस 0.01 S3, इसको आप क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा क्योंकि सॉल्युबिलिटी अपने आप में बहुत कम है, अब उसका भी स्क्वायर कर दोगे तो वैल्यू और कम हो जाएगी। तो S3 कितना आ गया, KSP अपॉन 0.01, ठीक। और एक लास्ट आपका क्या आ रहा है, AgCl इन 0.05 मोलर AgNO3, 0.05 मोलर AgNO3 ही है, इसमें चेक कर सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, AgCl गेव Ag+ प्लस Cl-, इसकी सॉल्युबिलिटी S4 मान ली, सॉरी S4 प्लस
कितना हो जाएगा ये एस फोर प्लस 0.05 और ये सी एल माइनस एस फोर, के एस पी कितना आ गया एस फोर प्लस 0.05 इंटू एस फोर, तो के एस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा एस फोर स्क्वायर प्लस 0.05 इंटू एस फोर। इस वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका एस फोर कितना आ जाएगा के एस पी अपॉन 0.05। अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा आपका, ऊपर 100 चला जाएगा तो 20 के एस पी, ठीक है। ऐसे ही इसको आप देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा 100 के एस पी, और इसको आप देखें तो ये आपका कितना हो गया 50 के एस पी। तो आपको बस यही चेक करना है किसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा है, चेक कर लीजिए अंडरवुड की। देखो एस वन तो सबसे ज्यादा होगा ही होगा क्योंकि अंडरवुड की एसपी है, ठीक है। अब एस टू एस थ्री एस फोर की हम बात करें तो यहाँ पे 50 के एसपी आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है आपका 100 के एसपी और यहाँ 20, तो एस थ्री क्या होगा ज्यादा होगा, देन कौन होगा एस टू और देन कौन होगा एस फोर होगा। बस चेक कर लीजिए एस थ्री कहाँ ज्यादा है एस टू कहाँ ज्यादा है एस फोर से, ये मिल गया आपको बी ऑप्शन, ठीक है। एक तो कॉमन सेंस वाला तरीका आपके पास है, एक आप न्यूमेरिकल बेस्ड तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकते हैं बच्चों को, आना चाहिए बच्चों को करना, ठीक है।